जमीन के अंदर, समुन्दर के गहराइयों में, पर्वत की ऊंचाई के भीतर दुनिया के मिलिट्री ऑपरेशंस केवल उतने नहीं होते जितने कि हमें नजर आते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग सीक्रेट जगहों पर अपने मिलिट्री एयरबेस बना रखे हैं। इन जगहों पर अलग अलग देश अपनी परमाणु एक्टिविटीज को भी अंजाम देते हैं। बहुत से देश अपने परमाणु हथियारों को रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ नई रिसर्च और डिफेंस डेवलपमेंट के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जहां नए नए वॉर वेपन पर रिसर्च किए जा सकते हैं। ये मिशन जितने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही सीक्रेट भी है। लेकिन इस वीडियो में हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसीलिए हमारी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। युलिन नेवल बेस। फरवरी 2008 में इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा इस बात की रिपोर्ट की गई कि चाइना जमीन के भीतर एक मिलिट्री बेस बना रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अगस्त 2020 में हो पाई। दरअसल इस दौरान एक अमेरिकन कंपनी प्लैनेट्स लैब ने एक सैटेलाइट इमेज खींची, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एक परमाणु पनडुब्बी पहाड़ के भीतरी हिस्से में जा रही है। ये जगह भारत से लगभग 3500 किलोमीटर दूर है, जो साउथ चाइना सी के डोंच नामक एक पहाड़ पर मौजूद है। बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी मिली कि बीते 15 सालों से चाइना इस मिलिट्री बेस पर काम कर रहा है, जहां परमाणु सबमरीन रखी जा सकती है और उन्हें बनाया भी जा सकता है। कोई भी आउटसाइडर यहां ना आ पाए, इसके लिए चाइना ने इस जगह को चारों तरफ मोटी दीवार से घेर दिया है। ये जगह भीतर से उठी हुई है, इसीलिए यहां पर बड़े स्तर पर डिफेंस डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। सैटेलाइट से देखने पर यहां ये जानकारी मिलती है कि इस जगह पर लगभग 70 के करीब एटॉमिक सबमरीन हो सकती हैं। ये बात यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से भी कही गई है। इस क्षेत्र में ज्यादातर भारी बारिश होती रहती है, यही वजह है कि मशीनों की निकलने वाली गर्मी का एहसास यहां पर नहीं होता। इस जगह को सैटेलाइट से देखा जा सकता है और CNN के मुताबिक चाइना को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसके पास 5000 किलोमीटर की सुरंग मौजूद है। इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए चाइनीज मिलिट्री इस 4 किलोमीटर के एरिया पर पहरा देती रहती है और इस एरिया के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं है। पाइन गैप। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ रीजन में मौजूद ये जगह पाइन गैप के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके रखा है जहाँ से वो पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। दरअसल साल 1988 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस जगह को तैयार किया था। इस जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर और रेडियो रिसीवर मौजूद हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो किसी न किसी रूप में इंटरनेट से जुड़ी है, उन पर नजर रखी जाती है और इस अड्डे का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता है। इस सेंटर को इसी जगह पर बनाने के पीछे दोनों देशों का उद्देश्य था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ज्यादातर जहाज इसी एरिया से होकर गुजरते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन जहाजों पर नजर रखना आसान हो जाता है। दरअसल यहां से रेडियो सिग्नल को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। कोई आउटसाइडर अगर यहां पर फोटो खींच ले तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिका ड्रोन हमलों के जरिए कोई खुफिया जानकारी निकालनी हो या फिर आतंकवादियों को मारना हो, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से समुद्र में लगे फाइबर केबल के जरिए अमेरिका तक पहुँचती है। इसके बाद अमेरिका आगे की कार्रवाई का डिसीजन लेता है। डिएगो गार्सिया। भारत से 3000 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत और निर्जन टापू पर ये एरिया मौजूद है। बेसिकली ये एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। ये एक ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी थी। 1968 से 1973 के बीच इंग्लैंड ने यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को निकाल दिया और इसे अमेरिका को किराए पर दे दिया। यहाँ रहने वाले लोगों को फोर्सफुली निकालकर जब इसे अमेरिका को दिया गया, उसके बाद से अमेरिका ने इसे अपना नेवल और मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है। ये हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री और नेवल ऑपरेशन सेंटर है, जो 3 जगहों से पैक है और केवल 1 जगह से खुला हुआ है। इस टापू के तीनों ओर सड़कें बनाई गई है, केवल एक ओर से इसका एंट्री पॉइंट बनाया गया है। यहाँ डिएगो गार्सिया नाम का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो वॉर पीरियड में अमेरिकन मिलिट्री को स्टे दे सकता है। यहाँ केवल अमेरिकन शिप्स को ही आने की इजाजत है। यहाँ हजारों लीटर ईंधन मौजूद होने के साथ साथ अमेरिकी जवानों के लिए साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। सामान खरीदने के लिए जगह बनी हुई है। इसके अलावा खेलने के लिए मैदान भी मौजूद है। सामरिक दृष्टि से अमेरिका के लिए ये बेस इतना इम्पोर्टेंट है कि यहां से वो अफगानिस्तान और मध्य पूर्व एशिया में अपनी पहुंच बना सकता है। इस बेस पर कई परमाणु पनडुब्बियां
घातक मिसाइलों के अलावा और भी हथियार मौजूद हो सकते हैं। एक अमेरिकन मिलिट्री बेस के तौर पर रेडी होने के बाद यहाँ पर केवल अमेरिकन मिलिट्री, यहाँ काम करने वाले लोगों और इंग्लैंड के कुछ सिक्योरिटी पर्सन को ही आने की इजाजत है। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका यहाँ पर फिलीपींस से सस्ते मजदूर लेकर आता है ताकि यहाँ होने वाले खतरनाक कामों को उनसे कराया जा सके। एक जानकारी के मुताबिक यहाँ 3,000 से लेकर 5,000 तक सर्विसमैन हमेशा उपस्थित रहते हैं। यहाँ पानी के भीतर भी मिलिट्री एयरबेस होने की बात कही जाती है, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहाँ एक और कैदियों को रखने के लिए जेल मौजूद है, वहीं अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले एयरपोर्ट को भी रखने की जगह मौजूद है। यहाँ तक कि नासा भी अपने स्पेसक्राफ्ट को इमरजेंसी में यहाँ पर लैंड करा सकता है। अमेरिका के लिए ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो समझ में आता है। कपुस्टिन यार, अमेरिका के एरिया 51 को एलियंस के लिए भी जाना जाता है, लेकिन दुनिया में उस क्षेत्र के बाद कपुस्टिन यार वो एरिया है जहां ज्यादातर एलियंस की उपस्थिति के बारे में बातें होती रहती है। 13 मई 1946 को सोवियत यूनियन ने इस क्षेत्र को मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार किया था। इस क्षेत्र में एलियंस के देखे जाने के बारे में भी बातें होती है। इस क्षेत्र के हजारों साल की हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों के देखे जाने की बातें सामने आती है। ये घटना जनवरी 1986 की है, जब शाम के वक्त वहाँ के पहाड़ डेलनीगास हिल पर एक अर्ध चंद्रमा आकार के ऑब्जेक्ट के गिरने की बात सामने आई, जिसकी वजह से यहाँ के जंगलों में आग भी लग गई। ये करीब एक घंटे तक चली। लोगों ने इस घटना की तस्वीर भी ली, लेकिन तस्वीर बिल्कुल खाली आई थी। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान दिया। ऊपर से देखने पर ये एरिया एक आम शहर की तरह नजर आता हो, लेकिन ये काफी सीक्रेट एरिया है। यहाँ जेनिनिन्स नाम का एक सीक्रेट शहर विकसित किया गया है, जहाँ पर यहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट और कुछ चुनिंदा लोगों को ही विद फैमिली रहने की परमिशन है। इस जगह के बारे में ये बात कही जाती है कि सोवियत यूनियन में सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट और लोगों को ही यहाँ एडवांस डिफेंस वेपन्स डेवलप करने के लिए भेजा करता था। आर्मी, CIA और नेवी इंटेलिजेंस के अनुसार यहाँ पर 42 फुट का अजीब मिलिट्री और सीक्रेट स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। यहाँ कई विचित्र लॉन्च पैड और अलग अलग तरह की सीक्रेट जगह बनाई गई है। एंटन एनफेलो एक रशियन UFO स्पेशलिस्ट है। यहाँ रहकर इन्होंने कई साल स्टडी की है और UFO की ड्राइंग को तैयार किया है। कई एलियन शिप की ड्राइंग भी तैयार की है। UFO मैगजीन के पब्लिशर बिल बर्निस का कहना है कि अगर आप इनके किसी अड्डे में चले भी जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहाँ आपको कोई मिसाइल सिस्टम या रॉकेट नजर नहीं आएगा। एलियंस के गिरे हुए मलबे को रखकर यहाँ मैक्सिमम रिसर्च वर्क किया जाता है। ये एरिया कई किलोमीटर दूर से ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में चंद लोगों को ही इन्फॉर्मेशन होती है, मगर ये कुछ लोग कौन हैं इसके बारे में भी आम आदमी को जानकारी नहीं होती। नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बेस। नॉर्थ कोरिया में लगभग 25 मिलिट्री बेस मौजूद हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कौन नहीं जानता। वैसे तो नॉर्थ कोरिया पूरा का पूरा कंट्री ही सीक्रेट कंट्री है। वहां से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना तो बाहर आती है और ना ही बाहर से भीतर जाती है। कोई अगर गलती से नॉर्थ कोरिया चला जाए और वहाँ के मिलिट्री बेस के बारे में पूछताछ करने लगे तो यकीन मानिए वहाँ की सरकार उस व्यक्ति को न केवल जेल में बंद कर देगी बल्कि उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो नॉर्थ कोरिया के किसी सिटीजन के साथ किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालने से बेहतर है कि भाई इस जगह जाने से ही बचा जाए, और अगर जा ही रहे हैं तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।